यूट्यूब ने 2023 में बहुत बदलाव करा है और नई नई बदलाव करता जा रहा है और उसमें सुधार भी करता जा रहा है, जिसमें कि अपन को कुछ नुकसान भी हो रहा है, कुछ फ़ायदा भी। जैसे कि नुकसान ये है कि अपन को 2010 में वो बिना मोनिटाइजर के अपन को पेमेंट मिलता, जिसमें कोई वो पहले क्लियर नहीं था कि पेमेंट दिया जा रहा है कि नहीं, तो लोगों को जानकारी नहीं थी इसलिए वो वीडियो नहीं बनाते थे। 2012 में जब एयरटेल हुई है, जब सबको पता लगा है कि इससे कुछ कमाई हो सकती है, तो उन्होंने और जो 10 में बना है ना, उनके वीडियो बहुत जल्दी ग्रो हो गए हैं उनके चैनल, क्योंकि वो पहले जल्दी से हो जाते थे ना, 4000 घंटे चाहिए ना कुछ चाहिए। इसलिए अपन को अभी क्या करना है, 2023 में अपन को अपना जिसने चैनल नहीं बनाया है वो चैनल बना लीजिए, क्योंकि चैनल बनाएंगे तो अपन को 2023 में जो लाभ मिलेगा वो मिल जाए, अगर हो सकता है आगे चल कर वो और कुछ बदलाव कर जाए। इसलिए अपन को तुरंत कर निर्णय लेना चाहिए। जैसे उसने क्या करा, पहले 4000 घंटे बड़े वीडियो में चाहिए थी, अब क्या है अभी भी चाहिए वो, तो अब क्या करा उसने 2000 शॉर्ट वीडियो में 10 मिलियन व्यू आने पर वह मोनिटाइजर कर देता। शॉर्ट वीडियो जल्दी से 10 मिलियन ली आती हैं, क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट रास्ता सब पसंद करते हैं, और बड़े वीडियो में क्या होता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कम देखते हैं। आजकल लोगों पर टाइम भी कम है, इसलिए शॉर्ट वीडियो जो अगर लॉन्ग बड़ा वीडियो बना रहे हैं तो उनके साथ शॉर्ट वीडियो बनाना कर लेना चाहिए। अब यूट्यूब ने क्या करा है कि ये अपन को जो जिसका चैनल मोनिटाइज वीडियो लॉन्ग छोटा बनाते हैं तो उस पर आप क्लिक करना है, अगर बड़ा वीडियो बनाते हैं उस पर क्लिक करना है। आप ये सोचिए कि मैं छोटा बना रही हूँ तो बड़ा बना रहा है तो छोटे पे क्यों क्लिक करूँ, क्योंकि करना है उसको दोनों पे करो, अगर दो बड़े और छोटे दोनों पे करना है अपन को क्लिक। अगर अपन ने नहीं किया और 6 महीने तक ये नहीं किया तो क्या होगा, जिस अपना चैनल मोनिटाइजर भी हो गया तो वह डीमोनिटाइज कर देगा। इसलिए आप लोगों को सोच समझ के इसका निर्णय करना है, और एस दोनों पर एस लगा देना है, एस का निशान लगा देना है। कभी कभी क्या होता है, आजकल उसने बहुत बदलाव करा है, जैसे पहले लाइन दिखती थी ना तो वो नीली आसमानी कलर की दिखती थी, अब क्या हुआ है उसने पिंक कलर की कर दी। अब एकदम कभी अपन जैसा एक अपने आपके भी मोबाइल पे आया होगा, किसी पे भी आई है, अपडेट किसी पे नहीं आई, जैसे किसी पे आई है तो वो तुरंत देखता है। तो मेरे चैनल पे सुबह आई थी, तो मैंने जो 6 बजे जैसा ही खोला उसमें पिंक कलर की अपडेट वो निशान देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरा चैनल, मैं कोई वीडियो गलत तो नहीं होगी, बोल दिया जिसमें कि ये स्टॉक मिल गई हो, जो 3 उसमें लिखा था 3 महीने के अंदर, तो मैंने कहा कुछ यस एकदम नहीं समझ पाई, और मैंने कहा चलो ठीक है नहीं मिलेगा तो 3 महीने के यस जाए तो शांति से बैठ गया, घबराना नहीं है क्योंकि घबरा जाए तो अपन एकदम कुछ भी हो सकता है, तो भी इसलिए मैंने सोचा चलो 3 महीने के लिए कुछ नहीं होता, शांत बैठे। अब शॉर्ट वीडियो में भी दिख रहा है कि उसमें भी लाल कलर के कितने व्यू हुए वो भी दिखने लगा है, पहले शॉर्ट वीडियो दिखता नहीं था, अब शॉर्ट भी दिख रहा है। यूट्यूब ने कमाई के बहुत रास्ते खोल दिए हैं, बहुत ऑप्शन दे दिए हैं, जैसे कि अपन को कोई बिजनेस करना है उसके ऑप्शन दिए हैं, जैसे और भी वो कोई ऑप्शन नहीं है, कमाई के बहुत साधन हो गए हैं। आप भी इसके जैसे ही अपना चैनल मोनिटाइज होता है उसमें अपन को पेमेंट मिलता है, तो उससे आती है तो उससे पेमेंट मिलने लगती हैं, इसलिए अगर अपन कमाई के साधन हो गया तो आप लोग जो वीडियो नहीं बना रहे वो भी वीडियो बनाइए, सोच समझ के अपने चैनल का नाम रखिए, और पहले अपन उसमें सर्च कर लीजिए मोबाइल में किस चैनल का नाम क्या है, फिर अपन ने जो चैनल बनाया उसी के आधार पर आईडी भी बनाई है, जिसमें कि अपन को कोई ऐड दे तो वो उस पर आधार पर अपन को वो मिल सकता है, ऐड में आसानी से मिल जाए, इसलिए अपन को सोच समझ कर ये वो बनाना है चैनल का नाम। बाय दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो।